हेलो फ्रेंड, मैं हूँ मंजू और आपका स्वागत है माँ बेटे का चैनल में। आज मैं बनाने वाली हूँ बिहार फेमस दही बड़े, वो भी नरम, मुलायम और स्पंजी। मैंने ये दही बड़े बनाना अपनी माँ से सीखा था। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उड़द दाल लिया है। मैंने इसे रात में भिगो कर रख दिया था और इसे अच्छे तरीके से साफ कर इसे ग्रिंड कर लिया है। यहाँ पर मैंने कुछ खड़े मसाले लिए हैं, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, इसे मैंने रोस्ट कर लिया है। मैंने यहाँ पर गुनगुना पानी लिया है और इसमें दही ऐड कर दिया है। यहाँ पानी गुनगुना ही होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। अगर पानी गर्म होगा तो दही फटने का डर होता है। अब मैं यहाँ पर सॉल्ट ऐड करूँगी। सॉल्ट आप अपने स्वाद अनुसार ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने काला नमक ऐड किया है, आप चाहें तो डाल सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रोस्टेड पाउडर लिया है। यहाँ रेड काश्मीरी चिली पाउडर डाला है। अब इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके एक साइड रख देंगे। यहाँ जो मैंने बैटर ग्राइंड किया था, इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छे तरीके से मिक्स करने से क्या होता है कि दही बड़े फ्लफी और स्पंजी बनते हैं। मैंने यहाँ पर गैस को ऑन कर दिया है। लगभग कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अब मैं यहाँ पर ऑयल ऐड करूँगी। मैंने यहाँ पर सफोला का ऑयल लिया है, आप चाहें तो कोई भी ऑयल ले सकते हैं। लगभग यहाँ पर तेल गर्म हो चुका है। अब मैं यहाँ पर बैटर को वन बाय वन करके डालूंगी। बैटर को उतना ही डालना है जितना तेल हो, ज़्यादा ओवर क्राउड नहीं करना है। अब इसे मीडियम आंच पर धीमे पका लेंगे। इसे धीरे से पलट लेंगे। ये देखिए, मैंने यहाँ पर पलट लिया है। ये देखिए, दही बड़े गोल्डन ब्राउन होने लगे हैं। लगभग ये फ्राई हो चुका है। अब मैं इसे निकाल लूंगी। अब मैं इसे जो मिक्सचर पाउडर है उसमें ऐड कर दूंगी। ऐड करके अच्छे से मिक्स कर देना है और ढककर रख देना है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए रहने देना है ताकि वो मिक्सचर को अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर मैंने नेक्स्ट बैच को डाल लिया है और इसे अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। लगभग ये भी फ्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पर निकाल ले रही हूँ। अब मैं यहाँ पर दही ली हूँ, इसमें चीनी ऐड की हूँ और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है और जो वो दही बड़े थे इसे ऐड कर देना है। इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देना। आप इसे फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए, दही बड़े सर्व करने के लिए रेडी हैं। यहाँ पर मैं सर्व करूँगी दही बड़े को धनिया की चटनी,
इमली की चटनी और कुछ रोस्टेड पाउडर चाट मसाला के साथ मैं सर्व करूँगी। ये देखिए, मैंने यहाँ पर धनिया की चटनी डाला है, इमली चटनी डाला है, रोस्टेड पाउडर डाला है, चाट मसाला डाला है, रेड काश्मीरी पाउडर डाला है। ये देखिए, मेरे दही बड़े सर्व करने के लिए रेडी है। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।